आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब नीरज और संध्या दादाजी के साथ दादाजी के घर जाएंगे। और अब वह जब जैसे ही उनके घर पहुंचेंगे तो उनका इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे होंगे और नीरज और संध्या को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और उसका भव्य स्वागत करेंगे। और फिर दादा साहब सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद सब अपने अपने पसंद की चीज़ें उसे खूब ठूस ठूस के खिलाएंगे, जिससे नीरज का बहुत ही ज़्यादा पेट भर जाएगा। मगर घर में बुआ जी का कुछ नेचर ठीक नहीं लग रहा है। वह थोड़ा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे कि बहुत ही हरामी टाइप की हों। और ज़्यादा खाना खाने की वजह से नीरज का पेट बहुत फुल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे रात में इनो पीना पड़ेगा, जिससे वह बहुत ही गुस्सा होगा कि हमें ठूस ठूस के इतना खिला रहे हैं जैसे कि मैं जानवर हूँ। और फिर अगले दिन वह अपनी दादी से मिलेगा तो दादी उसे गले से लगा लेंगी और कहेंगी कि मुझे रमेश से एक शिकायत थी कि लड़ाई उन बाप बेटे की थी, तो मेरा इसमें क्या दोष था जो वह मुझसे मिलने नहीं आया। तो नीरज उनसे हाथ जोड़कर उनकी तरफ से माफ़ी मांगेगा। तो अगले एपिसोड में देखना होगा कि ये हरामी बुआ अब क्या कुछ करने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।